खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। बारिश की हलचल आज देश के दो छोरों पर दिखेगी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य और साउथ में केरल शामिल है, जबकि कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर बिहार तक सभी राज्यों में मौसम सूखा और साफ बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित तमाम भागों में तापमान धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि मुंबई, पुणे, नासिक, सूरत जैसे शहरों में हीट वेव से राहत मिल जाएगी, क्योंकि इन भागों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। कल भी तापमान 2 डिग्री गिरा था और आज भी 2 डिग्री तक नीचे जाएगा। मुंबई में पारा 35 डिग्री पहुंच सकता है, जो 25 मार्च को 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। दक्षिण में गर्मी से कई इलाकों में बुरा हाल रहेगा, खासकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, लेकिन केरल और इससे सटे कर्नाटक के कुछ शहरों में गरज के साथ हल्की बारिश आज देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा सिक्किम और इससे सटे उत्तरी पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग तथा आसपास के शहरों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता सहित गंगा के मैदानी वाले पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ओडिशा, झारखंड, बिहार और ईस्ट यूपी के शहरों में कल तक बारिश का मौसम जो बना हुआ था आज से बदल जाएगा। बारिश बंद हो जाएगी, मौसम साफ होगा और गर्मी बढ़ेगी। चलते चलते आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 28 मार्च को एक बार फिर से हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इन सबके बीच अब पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने वाली है, क्योंकि देश के मैदानी इलाकों में गर्मी की तड़प से राहत पहाड़ों पर ही जाकर मिलेगी। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए।